हाँ जी प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब इसको अब दूसरा मेथड हम देखते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेथड तो बच्चे पीछे से बता रहे थे कि फर्स्ट मेथड में थोड़ी सी हमें सर दिक्कत आई, सोचना पड़ा, तो अब देखते हैं बिना सोचे कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये बच्चों आपके पास सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर जो हैं ए और बी हैं और रेडियस जो है बच्चों क्या है सी है, और इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एलिमिनेट करके ए और बी। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 15 क्वेश्चन मिसलेनियस का है और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेगा। अब प्रियंका इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ तक पक्की बात आप लोगों को समझ आती है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी। यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों, और उसके बाद ये y1 भी आ जाएगा और सी स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बच्चों 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट। तो यहाँ तक बात आप सबको मेरे ख्याल से समझ आ रही है कि हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? अब बच्चों क्या करें, सोचने वाली बात ये है, इस इक्वेशन को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। वहां पर आपको सोचना पड़ रहा था, यहां पर इसको क्या कर देते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ, तो ये x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, a का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और y माइनस बी एज इट इज, ये दो फंक्शन है, ये कितने फंक्शन है हमारे पास, 2। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और वाई वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई टू, और उसके बाद वाई वन एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव कितना होता है, फिर दोबारा y1 और b का डेरिवेटिव कितना था, 0, और 0 इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, अच्छी तरह समझ आ गई। अब बच्चों ये हमारा आ गया y माइनस बी इंटू वाई टू, और इस दोनों टर्म्स को मैं दूसरी तरफ ले गया, y1 स्क्वायर था उसको भी उस तरफ ले गया, 1 को भी उस तरफ। यहाँ से हमने जो वैल्यू है वो किसकी निकाल ली बच्चों, किस चीज़ की वैल्यू निकाल ली बच्चों, y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, y माइनस बी की। यहाँ तक बात समझ आ रही है, यदि यहाँ पर मैं x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू किसी तरीके से निकाल पाऊँ तो मेरे लिए क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो बात समझ आई, तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो बताओ, ठीक है। अब बच्चों मुझे x माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया, इस इक्वेशन को क्या मान लिया मैंने बच्चों, थर्ड। अब y माइनस बी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, लो जी बच्चों यहाँ पे रख दी, तो y माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस ओ 1 प्लस वाई 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई 2, और ये आपका क्या आ गया बच्चों, वाई 1, ठीक है। वाई माइनस बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी बेटा, और वाई 1, और इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0, ठीक है। तो अब x माइनस ए की जो वैल्यू है वो मैं उस तरफ ले गया, तो y1 इंटू 1 प्लस वाई 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई 2, इसको मैंने फोर्थ मान लिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, सिंपली वैसे ही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। क्या किया बच्चों, पहले इसको डिफरेंशिएट किया पावर रूल से और 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई माइनस बी, और वाई माइनस बी की वैल्यू जो है जो पहली बार डिफरेंशिएट किया था उसके अंदर रख दी, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स माइनस ए की। अब आपके पास x माइनस ए की वैल्यू भी आ गई है और y माइनस बी की वैल्यू भी आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ रिप्लेस कर दूँ, मेन इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ। तो इधर मैंने रिप्लेस किया, तो ये क्या आ गया, y1 वन इंटू वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू। यहाँ तक बात समझ आती है, नहीं आती, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। और y माइनस बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये भी क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मानसी यहाँ तक क्लियर है बेटा, अच्छी तरह क्लियर है, ओके। अब देखो बच्चों इस इक्वेशन में रखते ही हमारे पास सब कुछ एलिमिनेट हो गया, ए और बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये वाला पार्ट प्रूव करना था, 1 प्लस वाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन दिस। तो अब इधर देखो बच्चों, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर और y2 का होल स्क्वायर इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है,
इधर मैंने क्या ले लिया कॉमन, और ये मान से इधर क्या आ गया बेटा वाई वन का स्क्वायर प्लस वन। ये बात समझ आती है नहीं आती? और ये जो है आपका क्या आ गया सी स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। ये बेटा बेसिस में ए टू द पावर एन टू ए टू पावर एन मिल जाता है, तो क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, तो ये होल क्यूब हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है वाई टू का होल स्क्वायर, और ये क्या है सी स्क्वायर। और ऊपर रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए थ्री बाई टू चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर रूट कर देता हूँ दोनों तरफ, वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, तो ये स्क्वायर रूट लूँगा तो ये वाई टू रह जाएगा, और इधर क्या रह गया स्क्वायर रूट ये लिया तो ये क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस सी आ गया। तो यही मुझे क्या करना है बच्चों, क्या करना था प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल होगा कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा। इसको एक बार फिर दोबारा समझ लो बच्चों, तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है, मेथड टू है। तो मेथड थ्री आप लोग घर से सोच पाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे करना है। इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट किया, टू से डिवाइड कर दिया, वाई माइनस बी की वैल्यू निकाली जो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था उसके अंदर रख दिया, और उसके अंदर रखने के बाद एक्स माइनस ए की वैल्यू आ गई, एक्स माइनस ए की वैल्यू भी मेन इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, वाई माइनस बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और उसके बाद एक कॉमन फैक्टर आ रहा था कॉमन फैक्टर ले लिया। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ था थ्री बाई टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस सी। तो इस एक्सप्रेशन को मुझे प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल है कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है प्लस माइनस सी के इक्वल है। थैंक यू वेरी मच।